फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम सीखेंगे सम प्रोडक्ट, एक्सेल का ऐसा फंक्शन जो बहुत सारे डेटा को बहुत सारे फंक्शंस में, बहुत सारे आपके जो रिपोर्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। तो इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक जरूर देखें। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे हमें फाइंड करना है कि इस डेटा पे इस जो भी हमें डेटा निकालना है उसके अंदर हमें सम प्रोडक्ट का यूज़ करना है या फिर सम इफ का यूज़ करना है। जितने भी लोग हैं जिनको भी थोड़ा सा एक्सेल आता है वो जानते होंगे कि सम इफ हम कब यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि डेटा को कैसे देख के हम फाइंड करें कि हमें सम इफ यूज़ करना है या सम प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो दोस्तों, जैसे अभी ये डेटा आप देख रहे होंगे, ये मेरा डेटा एक हॉरिजॉन्टल है, मतलब मेरा इस डेटा जो है कॉलम वाइज ऐसे जा रहा है, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल डेटा है। तो आप जब हॉरिजॉन्टल कोई डेटा होगा तो अगर आप उस पर कभी भी सम इफ का यूज़ करेंगे तो कभी भी उसमें कभी भी आपका मतलब हमेशा इसमें एरर आएगी, कभी भी वो उसका आंसर निकल के नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखें, जब भी हॉरिजॉन्टल डेटा होता है तब हम उसमें सम प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो सम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उनको कभी कभी इशू आ जाते हैं, मतलब एरर आ जाते हैं जब भी उसमें करते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम सम प्रोडक्ट यूज़ करें और कैसे बिना विदाउट एरर के हम वन टाइम में हम अपना सारा डेटा हम कैप्चर कर लें, ठीक है। तो अगर दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक करें और दोस्तों के बीच में जरूर इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सम प्रोडक्ट। तो सम प्रोडक्ट में आप यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ हमारा मांग रहा है एरे वन, एरे टू, एरे थ्री, मतलब कितना भी एरिया के, मतलब फर्स्ट एरिया के अंदर आप कितना डेटा उसके अंदर लेके आना चाहते हैं। जैसे आप फर्स्ट एरे के अंदर, आप एक चीज़ याद रखें कि जब भी हम एरे में कोई डेटा लेके आते हैं तो वो सारा मतलब ब्रैकेट्स के अंदर होता है। जैसे आप मैंने कोई भी आप फॉर्मूला यूज़ करते होंगे तो ऑटोमेटिक तो आप यहाँ क्या करते हैं, टैक्स में डेटा लेके आते हैं, मतलब टैक्स कर देते हैं इसको। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको एक ब्रैकेट ऊपर करूँगा, ठीक है। तो पहले मेरे को इसका डेटा के साथ डेटा का लिंक करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट टेबल में से दूसरी जो मेरे जहाँ से मेरे को डेटा कैप्चर कर रहा हूँ दोनों का लिंक बनाना है। कैसे लिंक बनाएंगे, पहले मेरे को लिंक, जैसे यहाँ मेरे को दिख रहा है कि रीजन इसमें भी है और रीजन इसमें भी है, मेरा मंथ ऐसे भी है और इसमें भी मंथ है, तो मैं इजीली तरीके से मैं एक लिंक बना लूंगा। तो कैसे पहला लिंक बनाएंगे, तो पहला लिंक बनाएंगे हम रीजन का। पूरा लिंक मैंने यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने F4 की मदद से मैंने इसको लॉक कर दिया, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर का हमको डेटा नहीं चाहिए। तो फिर इसको क्या करेंगे, इजिकल टू मेरे को किसके बराबर रखना है, इस रीजन के बराबर, डी जो मेरा D11 है फर्स्ट, उसको लिए लेंगे हम और इसको हम जो डॉलर लगा रहे हैं हम लगाएंगे डी के साथ लगाएंगे, 11 के साथ, क्योंकि हमारा डेटा ऐसे चलेगा, अगर हम 11 के साथ लगाएंगे तो वो यहीं पर रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लगेंगे इनटू, फिर हम एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, दूसरा लिंक बनाएंगे हम किसका, मंथ का। आप ये देख रहे हैं हमारे 2017-2018 का हमारे पास डेटा, जो हमें एक मंथ में पूरा सेल्स का डेटा लेके आना है, ठीक है। तो मैंने पूरा रेंज सेलेक्ट कर ली, उसके बाद क्या करेंगे हम इसको लॉक कर देंगे और इजिकल टू करके हम इसको यहाँ पे लॉक कर, इसके साथ लिंक कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं क्या करूँगा, लेकिन अब यहाँ मैं क्या करूँगा, FE के साथ मैं डॉलर नहीं लगाऊंगा, 10 के साथ लगाऊंगा। अगर मैंने ई के साथ लगाया तो ये यहाँ पहले यहाँ रखेगा, उसके बाद ये नीचे चला जाएगा, जिससे मेरा डेटा एरर आ जाएगा, जो उसका रेफरेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं 10 के साथ करूँगा तो उसके बाद वो आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, तो मेरा जो लिंक है वो बिल्कुल एक्चुअल रहेगा और इनके साथ करते हुए वो डेटा उसमें आता रहेगा, मेरी जहाँ मेरी उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसको भी मैं लॉक कर दूंगा, फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगा इनटू, सेकंड मैं लगाऊंगा यहाँ पे, अब मेरे दो लिंक बन गए, फर्स्ट मेरा इसके थ्रू, दूसरा मेरा ये, कि मेरा जो भी रीजन है किस किस मंथ में कितना कितना है, दूसरा मैं टोटल सेल मेरी निकाल ली, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा पूरा और F4 की मदद से लॉक कर दूंगा, क्योंकि मेरे को इस टेबल से बाहर मेरे को कोई डेटा नहीं चाहिए, तो उसको मैंने लॉक कर दिया। उसके बाद क्या करूँगा, ब्रैकेट क्लोज दो बार करूँगा मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ एक मैंने यहाँ ओपन करी है और एक मैंने यहाँ ओपन करी है, ठीक है। तो मैंने दो कर दी, अब इसको मैं एंटर करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ मेरे 1.5 लाख सेल आ गए जनवरी मंथ में। तो आप देखेंगे यहाँ साउथ में 75,000 जनवरी में है और साउथ मेरा जनवरी में 75 यहाँ है, तो आप ये देखेंगे मेरे 1.5 लाख टोटल बन रही है, तो मेरा ये डेटा बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और नीचे तक इसको ट्रैक कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और जितने भी मंथ में मेरे को डेटा चाहिए, मेरा जितनी भी सेल चाहिए, मैं वहाँ तक कंट्रोल R कर दूँगा। तो ये देखिए मेरे
बहुत ही इजी तरीके से मेरा सारा मंथ का सेल्स निकल गया। 2 साल का मेरा डेटा एक मंथ में, मतलब एक ही मैंने अलग से सेपरेट निकाल के मैंने वो सेल्स काउंट कर दिए। तो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आया, तो इस वीडियो को बार बार पॉज करके भी देखें, ठीक है। और दूसरी ये चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक जरूर करना दोस्तों, ठीक है। और साथ के साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी मैं नई वीडियो अपनी बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस चीज़ को मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।